महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद ने यूरिया खाद की किल्लत के संबंध में तहसील पर धरना दिया। महानगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूरिया खाद की किल्लत के संबंध में तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही तहसील पहुंचकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कमेटी के आह्वान पर माननीय अजय कुमार लल्लू के निर्देशानुसार आज जनपद की सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मुरादाबाद की तहसील पर धरना प्रदर्शन करते हुए यूरिया खाद की किल्लत को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर तहसील पर धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश कमेटी के आह्वान पर अजय कुमार लल्लू ने निर्देश पर आज धरना दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी ने कहा, धान के लिए यूरिया की सर्वाधिक आवश्यकता है। धान के लिए यूरिया न मिले तो इससे धान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। यूरिया खाद की कमी के कारण किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्रीय किसानों ग्रामीणों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है, जिसे सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे हमारे अन्नदाता किसान नहीं ले पा रहे हैं। विभिन्न समितियों में किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद यूरिया न मिलने पर निराश होकर अगले दिन फिर से कतार में खड़े होकर यूरिया खाद लेने को पूरे दिन निकाल देते हैं। हम मांग करते हैं कि यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और मांग करते हैं जनपद के किसानों को यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी खिलाफ अति शीघ्र राहत मिले। कालाबाजारी में लिप्त संबंधित समितियों व उनके अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए। देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश अनुसार भारत के इतिहास में पहली बार, मुझे तो लगता है जब तक हमने होश संभाला हमने कभी नहीं देखा, यूरिया और खाद की कालाबाजारी हो रही है, यूरिया और खाद की किल्लत हो रही है। किसान परेशान है, हताश है, पहले से कर्जे में डूबा है, उसके ऊपर से यूरिया और खाद के नाम पर किसानों का, अन्नदाता का उत्पीड़न जो इस वक्त चल रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने एक बिगुल बजाया है। उसके खिलाफ 21 तारीख को हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था, धरना प्रदर्शन भी किया था। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने सारी तहसीलों पर, पूरे प्रदेश की सारी तहसीलों पर इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, क्योंकि ये सरकार फेल हो चुकी है, बल्कि भ्रष्ट सरकार फेल हो चुकी है। हर क्षेत्र में, हर जगह ये सरकार फेल हो चुकी है। वो चाहे किसानों के मसले हों, चाहे आप पत्रकारों के मसले हों, पत्रकारों की हत्याएं, और ये प्रदेश एक तरह से जंगल राज की तरह चल रहा है। उत्तर प्रदेश का शासन सिर्फ और सिर्फ लाठी और बंदूक के सहारे चल रहा है। कोरोना की आड़ लेते हुए इन लोगों ने बिल्कुल सारी हदें, बल्कि मानवता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मानवीय संवेदनाएं भी इनके अंदर नहीं रही हैं। किसान जो अन्नदाता कहलाता है, जो हमारा पेट भरता है, उसे भी इन्होंने नहीं बख्शा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुखर हुई है और आज सारे तहसीलों के पर ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को जगाने का काम किया है।